बट मैंने एक विकेट ली आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आप देख रहे हैं इनके व्लॉग्स और मैं हूं आपका निकित। सो अभी का सीन है कि अभी टाइम देख सकते हो 11:30 बज चुके हैं बिल्कुल, और अभी मैंने इधर झाड़ू वगैरह मारा है इतनी, मतलब कि जो सफाई वगैरह की है ना मैंने, कम से कम भी 1 घंटा लगा। मैं 9:30 उठा था और लगा था सफाई करने, 10:30 11:30 बज गए मेरे को, 11:30, हाँ एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ, 11:30 बज गए। तो मैं अभी तक सिर्फ सफाइयाँ कर रहा था, फुल बिस्तर वगैरह झाड़ा, फिर नीचे झाड़ू वगैरह मारा, फिर बाद में पोछा भी मारा, फिर टाइम लग गया थोड़ा, तो फिर बाद में नहाया, फिर फ्रेश हुआ, अब आपके सामने कपड़े कुपड़े डाल के बैठ गया हूँ। और बाकी का सीन यही है कि अभी मैं थोड़ी देर चलाऊँगा फ़ोन 12 बजे तक, फिर 12 से 3 या 2:30 बजे तक मैं पढ़ूँगा, फिर नमन को जाना ट्यूशन छोड़ने। ट्यूशन से याद आया, मैं आपको वो बात ना बाद में बताऊंगा। सो अभी मैं आया हूँ छत पे, और बड़े दिनों बाद मौसम जो है वो बन चुका है बारिश वाला, देख सकते हो इधर तो बिल्कुल ठीक है, जो ऊपर वाले बादल है ना उधर से पड़ रही है बारिश। क्या पता आपको महसूस हो रही हो या नहीं हो रही हो, इधर देख लो, हाँ ये देखो लग रहा ना बारिश पड़ रही है, ये बारिश वगैरह पड़ रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम आया, बहुत दिनों बाद, कम से कम भी 1-2 महीने, हाँ 1-2 महीने बाद ही आया, कुछ ज़्यादा ही दिनों बाद आया। और हमने ना ये वाला जो काम था ना ये भी करवा दिया हुआ है, इधर से टूट गया था ना ये, अब ये जुड़वा दिया हुआ है। जिस बंदे ने लगाया था ना, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हल्की है, हल्की मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊँचाई वो है, बट ये इतनी ऊँचाई है ना, 25 फीट ऊँचाई है, 25 फीट, हम 25 फीट पे अभी ऊपर खड़ा हूँ मैं 25 फीट पे, तो इतनी ऐसे लगता तो नहीं है, बट जो बंदा चढ़ा था ना प्लम्बर उसका जिगरा था भाई, उधर से लेके ऊपर तक मैं तो डर ही जाता हूँ देख के, वो सोचो कैसे चढ़ा होगा उसका। वो उससे मेरे को बताया था कि मैं ना इससे भी ऊँची 3री मंजिल तक चढ़ाऊँ, वो इतनी ऊपर है वो। बाकी ये भी डंबल वगैरह इधर ही पड़े हैं, कोई एक्सरसाइज करता नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी चल रहे हैं पेपर तो थोड़ा स्टेमिना वगैरह भी कम हो गया हुआ है, एक्सरसाइज थोड़ी ना बीच में, इसलिए कोई नहीं पेपर ख़त्म होने दो फिर। मैं तो सोच रहा था जब मासी के घर पे जाएंगे ना पेपर ख़त्म होने के बाद, ये डंबल वगैरह लेके चल जाएंगे, देखेंगे सोचेंगे डंबल वगैरह लेके चल जाएंगे, तो चलते हैं अभी नीचे फिर। और अभी मैंने ना ये पर्दे वगैरह भी उतार दिए हैं, कर्टन्स वगैरह देख सकते हो, ऐसा कुछ और यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, ये दिख रहा है, ये देखो गाइस, तो मुड़ी ने कैसे छत्ता बनाया हुआ बिल्कुल, देख रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखना लग रहा है ना धूप निकली हुई है, धूप निकली हुई है सच में, और पर धूप यहाँ पे भी निकली हुई है, बारिश देखो मौसम का क्या सीन है, वो सामने देखो काले बादल और कमरे वाली साइड नीले बादल, ये पता नहीं क्या चल रहा है यार मौसम में, पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम ट्राई आइस फेशियल, बोले बहुत ट्रेंड में चल रहा है आइस फेशियल, तो उसके लिए कल मैंने ये जो आइस होती है ना आइस ट्रे लगा दी थी फ्रीजर में, तो अब मैं लाइट ऑफ ही नहीं की, तो अब मैं करूँगा आइस फेशियल। वो पता कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, एक कोई पहले आपने बर्तन सा लेना जिसमें आपका मुंह फिट आ जाए, हाँ ये ठीक है, इसमें मुंह फिट आता है, तो अब क्या करना है इसमें डालनी है आइस। आई फेशियल के, आई नहीं आइस फेशियल के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होता है, तो एक आपकी स्किन में ग्लो आता है आइस फेशियल से, और जो आपके पोर्स होते हैं ना, पोर्स जो हल्के हल्के होते हैं, एक वो ठीक करता है, वो उसको कम कर देता है पोर्स को, वो जो बिल्कुल दब जाते हैं, और पिंपल होते हैं ना, जो पिंपल भी इससे दूर हो जाते हैं, जैसे थोड़े थोड़े पिंपल्स हैं ना मेरे को इसे देख लो, तो ये भी दूर हो जाते हैं, और जैसे ऑयली स्किन है तो वो भी रिकवर हो जाती है नॉर्मल स्किन में। तो अभी मैंने ना आइस वगैरह इसमें डाल दी हुई है, तो ये थोड़ी कम पड़ रही है, जिसमें मेरा मुँह जा ही चलेगा, ऐसे चल जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा,
मेरे को कोल्ड वाटर डालना पड़ेगा, उससे भी कुछ नहीं होता, आइस फेशियल तो होता ही होता है, तो इससे क्या होगा कोल्ड वाटर डालने से ना थोड़ा इसका लेवल ऊपर आ जाएगा जिससे मेरा मुंह कवर हो जाएगा। ठंडा पानी है ही नहीं, अब जब तक वो पिघलती है ना बर्फ तब तक ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई नहीं तब तक वेट करना पड़ेगा। तो अब मैं करने लगा हूँ आइस बाथ चैलेंज, तो बर्फ रह गई बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, इसमें देख सकते हो आप, ये देखो ट्राई करके देखते हैं। कभी भी आइस बाथ चैलेंज करके ना पानी ये जो ये होती है ना फेस फेस को कभी रगड़ना नहीं, आराम से करना, आराम रगड़ोगे स्किन खराब हो जाती है, अच्छा हल्का हल्का टच टच करना। फॉर्म भी कर लिया यहाँ पे, और अब मेरे ख्याल स्किन ना थोड़ी ग्लो कर रही होगी, देख रहे हो कितनी ग्लो कर रही है, चमक रहा हूं मैं गाइस, चमक रहा, देख रहे हो फर्क तो पड़ जाता है, अब हो गया मेरे ख्याल ठीक हो गया। तो अभी हम आए थे परेड खेलने, तो इसकी मम्मी का आ रहा है फ़ोन, तो अब इसकी मम्मी इसको बुला रही है, फिर हम निकल गए, नहीं तो मैंने मैच खेलना था ऐसे। अब ऊपर से डाल के भी हम चप्पल आए हुए हैं, तो मैच कैसे खेलेंगे। मैंने एक विकेट ली बट इसने वो रिकॉर्ड ही नहीं की, सोचो कैसा बंदा है, विकेट ली विकेट रिकॉर्ड ही नहीं की, बाकी जो बॉल पड़ी वो भी अच्छी पड़ी, इसको भी पता पड़ी ना अच्छी भाई, ये प्रैक्टिस हो गई है यार, अब इधर आके ना जब पेपर ख़त्म हो गए फिर तो आना ही आना, अब प्रैक्टिस हो गई है, बॉल ऐसे घूम रही है, आहा मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं अभी घर पे। Now it is my turn. फट गया फिर फायरिंग बस भाई
सो अब मैं आपको बात बता देता हूँ वो वाली। तो टाइम हो चुका है 10:45, तो मैं डिनर वगैरह भी कर लिया हुआ है। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बात ये थी, मैं रात को 2-3 घंटे लगे मेरे को कल वाली व्लॉग एडिट करने में। 2.5-3 घंटे में मैंने वो व्लॉग एडिट किया, ठीक है। एडिट करने के बाद टाइम हो गया रात के 2:30, एडिट वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ना YouTube में जाके सर्च मारा कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग कौन से होते हैं। तो उधर ना सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग आया, तो सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग आया तो मैंने सोचा ये नॉन कॉपीराइट होगा। तो मैंने ये उसमें जो वीडियो के बैकग्राउंड में वॉइस आती है उसमें ये वाला सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग डाल दिया। सॉन्ग डाल दिया, डालने के बाद क्या किया कि मैंने रेंडर पे लगाई वीडियो। वीडियो रेंडर जब होगी 100 होगी रेंडर, जब वीडियो पूरी रेंडर होने के बाद फिर क्या हुआ कि मैंने ना जो ओरिजिनल क्लिप होती है ना, एक तो 5 क्लिप में मिला के एक क्लिप बनना, और एक होती है 5 की अलग ओरिजिनल, जो ओरिजिनल क्लिप होती है ना वो मैंने मार दी डिलीट। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने उसको ट्रैश बिन से भी डिलीट मार दिया था। जो था ना, अगर इधर से डिलीट मारा है तो ट्रैश बिन में रहती है, पर मैंने क्या उस दिन उस वक्त हुआ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने उसको ट्रैश बिन से भी डिलीट मार दी। मैंने सोचा ये जो वो होगा ना तो ये चल जाएगा, बट ये चला ही नहीं। मैं अपलोड कर दिया ना, शेड्यूल पे लगाया था, उधर आ गया कॉपीराइट, उस वीडियो पे कॉपीराइट आ गया। मैंने बोला अब तो ये स्ट्राइक आ गई कॉपीराइट वगैरह, तो अब ये नहीं डाल सकता। तो वो वाला ब्लॉग मैंने डिलीट मार दिया, मतलब बहुत तगड़ा ब्लॉग था। उसमें मैंने नमन को भूत बना दिया था बिल्कुल, और 2-3 गलतियाँ भी होगी इस ब्लॉग में, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अच्छा हुआ नहीं आया ब्लॉग, भगवान की यही मर्जी थी कि नहीं आना। तो चलो कोई नहीं, अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम।